guys, my Nykaa haul. I know I am little late, but let's get started. तो मैंने सेल से काफी सारा चीज शॉप किया है, तो मेरे पास आप देख ही सकते हो बहुत ज्यादा बॉक्स है, तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने कुछ स्किन केयर और कुछ मेकअप के प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो मैं आपको अभी शो करूंगी मैंने क्या क्या खरीदा है. बस मैंने इस बार काफी ज्यादा स्किन केयर खरीदा है, आप देख ही सकते हो कितना बड़ा बॉक्स है, तो दिखाती हूँ आपको एक एक करके. फर्स्ट मैंने वहां से लोटस हर्बल का टी ट्री फेस वॉश लिया है. दिस इज वेरी गुड. इसमें टी ट्री ऑयल है, टी ट्री ऑयल एंटी एक्ने है, और टी ट्री ऑयल स्किन में इन्फेक्शन के साथ भी काफी ज्यादा फाइट करता है. मेरा ये सेकेंड परचेस है, मैंने फर्स्ट एक यूज किया है, तो ये काफी अच्छा है, आप इसको ले सकते हो, काफी अफोर्डेबल भी है, 199 रुपीस में आता है, और ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है. तो मेरा तो ऑयली स्किन है, आपको इसको दिन में 2 से 3 बार यूज करना है, और जनरली आपको 1 मिनट तक इसको वॉश करना है, स्क्रब करना है मुंह में, थोड़ा स्क्रब टाइप का कुछ है इसमें, तो काफी अच्छा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. सेकेंड मैंने सेटाफिल का एक क्लींजर लिया है. इसको मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, बेस्ट क्लींजर है. इससे अच्छा मैं बोलूंगी आपको कोई मिल ही नहीं सकता. 237 में आता है, 125 ml का प्रोडक्ट है. इसको आप डेली एक बार यूज करो, 3 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा. आपके फेस में कोई रेडनेस है, ब्रेकआउट है, कुछ भी है, एक वॉश में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा. नेक्स्ट मैंने VLCC का रोज वाटर लिया. रोज वाटर डाबर का जो होता है मुझे वो पसंद नहीं है, क्या पानी है या रोज वाटर, आई डोंट नो, बट दिस वन इज द बेस्ट. एक ही इसमें प्रॉब्लम है, इसका एप्लीकेटर एक गिर जाता है, आधा से ज्यादा गिर जाता है. तो आपके पास अगर स्प्रे बॉटल हो तो आप उसमें डाल लो तो काफी अच्छा होगा, और बहुत ज्यादा है, अफोर्डेबल भी है, 150 रुपीज में आता है, तो काफी अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट मैंने वहां से अगेन लोटस का एक बॉडी लोशन लिया है, जो सनस्क्रीन 20 SPF 25 के साथ आता है. फेस पे तो आप सनस्क्रीन लगा के आप सही है, ठीक है, बट हैंड के लिए भी और नेक एरिया के लिए भी कुछ चाहिए आपको, तो आप ये पिक कर सकते हो, क्योंकि आजकल समर आया है तो धूप काफी ज्यादा है, तो स्किन को डैमेज कर सकता है, टैन आता है, तो इसके लिए बेस्ट है. इसमें आपको विटामिन B3 विटामिन ई सब मिलेगा, और ये 24 आवर्स को स्किन को केयर करता है, और नॉर्मल टू ड्राई स्किन हर स्किन टाइप्स को यूज कर सकते हो. तो एक आप ये भी काफी अफोर्डेबल ही है, हाँ 260 रुपीज का ही आता है, तो ये भी काफी अच्छा है, आप पूरे समर के लिए चल जाएगा. मैंने वहां से कुछ गार्नियर का शीट मास्क लिया है, तो इसका मैंने फुल रिव्यू करके रखा है, तो इफ यू वांट आप चेक कर लेना, मैं लिंक आपको दे दूंगी, ऊपर सजेस्ट कर दूंगी. ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रा लॉन्ग वन वेरी गुड. नेक्स्ट मैंने वहां से गार्नियर के लाइट कंप्लीट नाइट क्रीम खरीदा है. इसको मैंने काफी दिनों तक यूज करा, क्योंकि यू गाइस नो कि आई एम लिटिल लेट, काफी हद तक मैंने इसको यूज किया है. इसमें विटामिन ई है और योगर्ट क्रीम है, तो ये काफी अच्छा है, स्किन को लाइट करता है, आपके स्किन पे जो थोड़ा थोड़ा डार्क स्पॉट वगैरह है उसको भी थोड़ा हल्का कर देता है, एकदम चला नहीं जाता है, बट थोड़ा सा हल्का ही जरूर करता है. ये काफी अच्छा है, काफी अफोर्डेबल क्रीम है, 40 ग्राम 185 रुपीज, तो ये भी काफी अच्छा है, इसको ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट का यूथ इन्फिनिटी नाइट क्रीम खरीदा है. एक क्रीम काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, अगर आप 23 से ऊपर एज के हो तो आपको यूज करना चाहिए. आई नो दिस इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, 799 रुपीज का आता है, 50 ग्राम प्रोडक्ट है, बट ये काफी अच्छा है. 23 से ऊपर हो तो आप इसको जरूर लगाओ, स्किन पे कोई एंटी एजिंग क्रिंकल वगैरह कुछ नहीं आएगा, तो दिस इज द बेस्ट. नेक्स्ट मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट का आर्गन ऑयल रेडियंस जो सीरम आता है वो लिया है. काफी अच्छा ओवर नाइट एक सीरम है, लेकिन ये ज्यादा ड्राई स्किन वालों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये काफी लगाने के बाद आपको लगेगा बहुत ज्यादा स्किन पे ऑयल है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बट ड्राई स्किन वालों के परफेक्ट है, ड्राई स्किन वालों के लिए. मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको इस क्रीम पे 2 ड्रॉप डालती हूँ और स्किन पे लगा लेती हूँ, अप्लाई करती हूँ. काफी अच्छा है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो. दिस वन फॉर 945 रुपीज, तो ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, 15 ml प्रोडक्ट आता है, तो ये काफी कम दिन चलेगा आपको, 1.5 महीना 2 महीना भी नहीं चलेगा, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, लेकिन बाकी जो सीरम थे वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, तो मेरे लिए ये ठीक ठाक ही है, एवरेज प्रोडक्ट है, क्योंकि काम बहुत अच्छा करता है. मूविंग ऑन टू सम लिप प्रोडक्ट एंड नेल पेंट, तो ये है मेरा लिप प्रोडक्ट और नेल पेंट का बॉक्स. आई हैव 3 लिप बम, 2 इज फ्रॉम मैबेलिन, इसका कोई इंट्रो का जरूरत नहीं है, कुछ डेफिनेशन का जरूरत नहीं है, और 1 इज नायका सीरियल किस और लिप बम. ये एवरेज प्रोडक्ट है, 150 का आता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है,
बहुत जल्दी ट्रांसफर करता है, एक घंटे में पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। और आप कुछ खाओ तो कुछ करो तो 10 मिनट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं है, मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट मैंने हुआ सा लैब में एब्सोल्यूट का लिप पाउट मैट खरीदा है, ऑफर में चल रहा था तो काफी ये सब जो है डिस्काउंट पे मिल गया है, बट दिस इज फॉर 675 रुपीज, बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे 450 ऐसा कुछ देना पड़ा था। तो कलर मैं आपको दिखाती हूँ स्वाच जिसका, काफी अच्छा मैट फिनिश देता है, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा ही मैट फिनिश देता है, कलर काफी अच्छा है, ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता है, काफी टाइम तक स्टे करता है, बहुत ज्यादा मैट लगता है, तो ये बहुत ही अच्छा है और प्राइस के हिसाब से तो बहुत सही है, क्वांटिटी भी आपको ज्यादा अच्छा मिलता है, बहुत ज्यादा अच्छा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, कलर भी बहुत प्यारा है। नेक्स्ट मैंने नायका का सो मैट मिनी जो छोटा लिपस्टिक आता है, मिनी लिपस्टिक वो खरीदा है, ये काफी हद तक छोटा है, मुझे नहीं लगा था इतना ज्यादा छोटा होगा, बट काफी हद तक छोटा है, आप डेली यूज के लिए इसको बैग में 3-4 शेड रख सकते हो, आप ट्रैवल के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्वांटिटी आप देख लो इतना सा ही आता है, काफी छोटा सा है, कलर मैं आपको दिखाती हूँ स्वच करके, काफी अच्छा कलर है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, ये 199 रुपीज का आता है तो वही था, तो ये भी काफी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, 3-4 घंटा स्टे करता है, थोड़ा सा ही ट्रांसफर करता है, बट एक होता है ना हल्का सा एक मैट फिनिश हो देता है, पूरा एकदम मैट नहीं है जो लैक्मी एब्सोल्यूट का लिप पाउडर देता है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा मैट है, तो ये भी काफी अच्छा है, प्राइस के हिसाब से तो काफी अच्छा है। मैंने इस बार एक ही लिक्विड लिपस्टिक हुआ से पिक किया है, दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड मेगालास्ट लिक्विड कैट स्वीट, तो काफी अच्छा है, कोरल कलर है, प्राइस इसका मुझे याद नहीं है, 499 ऐसा कुछ ओरिजिनल प्राइस इसका आता है, बट 350 ऐसा कुछ में मेरे को मिला था, काफी अच्छा कोरल कलर है, आप देख सकते हो मैट फिनिश देता है, बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप लिप बाम लगाओ फिर इसको लगाओ, और जो होता है लिक्विड लिपस्टिक वो ड्राई होता है, बट ये मुझे लगता है बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग 4-5 घंटा इजिली रहता है, ट्रांसफर बिल्कुल नहीं है, काफी अच्छा है, कलर भी काफी अच्छे है, कोरल कलर तो हर सब कुछ के साथ जाता है, सब चीज के साथ कोरल कलर जाता है। मैंने वहां से 3 नेल पेंट लिया, सब कुछ 3-3 है, 3 लिप बाम, 3 लिपस्टिक और 3 नेल पेंट, तो फर्स्ट जो 2 है वो लैक्मे का कलर क्रश का नेल आर्ट का जो आता है ग्लिटर वो है, एक है G7 एंड एक है G12, तो दोनों ही काफी अच्छा है, ये आप नेल पेंट के ऊपर लगा लो, नेल पेंट लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, काफी दिन तक चलता है, 15 दिन तो इजीली टिकेगा, तो काफी अच्छा है, प्राइस की सबसे भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट जेल स्टाइलिश का एक कलर न्यूट कलर लिया है, काफी अच्छा लग रहा है हाथ पे, ये तो लॉन्ग लास्टिंग है, 1 महीना तो मेरे हाथ पे चल जाता है, मुझे पता नहीं किसके हाथ पे कितना दिन जाता है, लेकिन मेरे हाथ पे 1 महीना रहता है। नेल पेंट खरीदा थोड़ी रिमूवर तो चाहिए, इसके लिए मैंने कलर वर्क का जो है नेल पेंट रिमूवर आता है ये खरीदा है, ये काफी अच्छा है, विटामिन B5 के साथ आता है, तो नेल्स के लिए काफी अच्छा है, और दिस वन फॉर 125 रुपीज, तो ये काफी दिनों तक आपका चले जाएगा, आप कॉटन बॉल में इसको 2-3 ड्रॉप दो और रिमूव करो तो उठ जाता है, काफी अच्छा है। नेक्स्ट मैंने वहां से एक आई शेडो पैलेट और कुछ आई मेकअप ब्रशेस लिए, तो उसका बॉक्स यही है, तो ये आई शेडो पैलेट मेरा फेवरेट इस हॉल का मेरा फेवरेट चीज यही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं बात कर रही थी मेकअप रेवोल्यूशन जो लंदन का सोफे एक्स्ट्रा स्पाइस पैलेट, पैकेजिंग आप देख सकते हो रोज गोल्ड पैकेजिंग में आता है, काफी अच्छा है, रोज गोल्ड पैकेजिंग में आता है और बहुत ज्यादा इसमें कलर वेरिएंट है, आपको इसमें काफी अच्छे अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, फुल मिरर आता है एक साइड पे और एक साइड पे आपका आई शेडो जो होता है वो आता है, इसमें आपको 6 शिमर शेड मिलेगा और 12 जो है पूरा मैट शेड मिलेगा, इससे आप काफी ज्यादा आई लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा आई शेडो मेकअप आप इससे कर सकते हो, काफी अच्छा है, फुल मिरर के साथ आता है, मिरर बहुत काम देता है, यू गाइस नो जो मेकअप करते हैं ये काफी काम का है, पिगमेंटेशन इसका मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं आपको मैट दिखाती हूँ, काफी अच्छा है इसका पिगमेंटेशन है और शिमरी शेड का, ये भी काफी अच्छा पिगमेंटेड है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, आपको ब्लेंड भी काफी अच्छा से हो जाता है, यू गाइस सी
बहुत ही आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है, तो ब्लेंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लिटिल बिट एक्सपेंसिव है ये, क्योंकि ये 1950 रुपीज का आता है, तो मुझे लगता है ठीक ही है, क्योंकि आपको इस पे जो है 18 आई शेडोज मिल रहे, तो बहुत ही अच्छा है। तो पिगमेंटेशन सब कुछ देखा जाए तो प्राइस ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। लास्ट मैंने वहां से कुछ ब्रशेस खरीदे आई शेडो के लिए, आई मेकअप के लिए। तो ये दोनों है वेट एंड वाइट का, एक स्मॉल है और एक लार्ज है, एप्लीकेटर ब्रश है। तो दिस वन फॉर 145 रुपीज ईच, तो काफी अफोर्डेबल भी है और वेट एंड वाइट का ब्रश काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट मैंने भेगा से एक फैन ब्रश लिया है और एक आई शेडो ब्रश जो मैंने इसमें डाल लिया है दोनों को एक साथ, तो ये भी काफी अच्छा है और ये भी काफी अफोर्डेबल भी, अफोर्डेबल साइड पे हॉट है। और मैंने एक एंगल ब्रश भी खरीदा है क्रीज को आपको ड्रॉ करने के लिए। That's it for today's video, guys. I know ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट दिखाया है इसमें, तो मुझे सबको ट्राई करना था फिर ही आपको रिव्यू देना था। अगर मैं खुद ट्राई नहीं करूँगी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि कौन सा कैसा काम पड़ेगा कुछ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, थोड़ी मैं लिटिल लेट हो गई ये हॉल बनाने में, बट इट्स ओके, यू गाइस नो। So that's it for today's video, guys. I hope you like this one and make sure apne channel ko subscribe kar lo and also hit the bell button. You can also follow me on all my social channels. Till then, bye.